नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका मंच और मैं हूं नकुल। आज पत्रिका मंच में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं गुजरात के आर्टिस्ट जयेश से, जिनसे बात की मेरी सहयोगी राखी हजेला ने। जयेश की पेंटिंग की प्रदर्शनी पिछले दिनों जवाहर कला केंद्र में लगाई गई थी, जिसे बेहद पसंद किया गया था। जयेश इससे पहले भी देश के कई शहरों में अपनी पेंटिंग एग्जीबिशंस लगा चुके हैं। उनकी पहली प्रदर्शनी 2005 में अहमदाबाद में लगी थी। वरिष्ठ कलाकार दीनू पटेल को अपना आदर्श मानने वाले जयेश ने पेंटिंग के गुर भी दीनू पटेल से ही सीखे थे। तो आइए चलते हैं और रुक करते हैं उनसे इस खास बातचीत की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम पत्रिका मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट राखी हजेला और इस वक्त हम बैठे हैं जवाहर कला केंद्र में, जहां जवाहर कला केंद्र की पारिजात आर्ट गैलरी में गुजरात के हुए आए हुए आर्टिस्ट जयेश की एग्जीबिशन लगी हुई है। तो पत्रिका मंच में खास मुलाकात जयेश के साथ। जयेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी पर। थैंक यू मैम। मैं सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी जो ये पेंटिंग की जो जर्नी है वो कब और कैसे शुरू हुई? जी देखिए, मैंने 1999 से 2004 तक अहमदाबाद के सीएन फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया हुआ है पेंटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग से जी। और उसके बाद मैंने फ्रीलांस वर्क ही किया है, पेंटिंग का काम ही किया है मैंने जी। वैसे और इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई अहमदाबाद से फाइन आर्ट्स करने के बाद, 2004 के बाद से जी। तो ये बचपन से शौक था आपको पेंटिंग करने का या किस तरह से डेवलप हुआ? जी देखिए, बचपन से ही शौक वैसे तो रहा है। 10th में मैंने ड्राइंग और पेंटिंग ड्राइंग लिया था और काफी मुझे बचपन से शौक रहा है पेंटिंग का। इस हिसाब से मेरे फादर ने ये डिसाइड किया कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं पेंटिंग में तो फाइन आर्ट्स किया जाए जी। और इस हिसाब से इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। जनरली होता है ना कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ और इस तरह का करे, तो आपको जब आपने जब अपने पेरेंट्स को बताया कि नहीं मुझे तो अपना पेंटिंग करनी है, तो उनका रिएक्शन किस तरह का था? जी, मेरे फादर ने मेरे पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाया था पहले से ही कि मैं उनके वो रेलवे में थे तो वो भी काफी पढ़े लिखे और वैसे ही थे, और उसने ऐसा किया कि मुझे ही अपने करियर डिसाइड करने के लिए वो फ्री दिया था कि आप ही चुनो कि आपको क्या करना है जी। मेरी रुचि पेंटिंग में थी इसलिए मेरे फादर ने बोला कि अगर तुम्हारी रुचि पेंटिंग में है तो तुम आगे फाइन आर्ट्स करो वगैरह करो और आगे बढ़ सकते हो, इसलिए मैं मेरे हिसाब से ही आगे बढ़ा सकूँ। तो आपकी पहली पेंटिंग आपको याद है, आपने किस तरह की बनाई थी, क्या बनाया था? जी, मेरी पहली पेंटिंग देखे तो नेचर पे जी, फाइन आर्ट्स करने वो मेरा डिप्लोमा भी शुरू था, मैं तब 3rd ईयर में था। तब ललित कला की शिविर हुई थी लैंडस्केप के लिए, तब हम लोग जूनागढ़ गए हुए थे जी। वहां पे हमें लैंडस्केप वगैरह तब तैयार करने थे, तब मैंने मेरी लैंडस्केप में मेरी पहली पेंटिंग तब तैयार अच्छी तरह से तैयार की थी। वो तब मुझे याद है कि 2003 में जी, तब मैंने वहाँ पे एक लैंडस्केप पेंटिंग तैयार की थी जिसकी अच्छी सराहना हुई थी। तब मुझे लगा कि अब लैंडस्केप पे ही आगे कुछ डेवलप करेंगे, अगर कुछ काम करना है तो लैंडस्केप पे आगे जाके कुछ काम करेंगे। इस तरह से वहां से मेरी पहली पेंटिंग वो लैंडस्केप की थी और 2003 में बनी थी। एग्जीबिशन लगाने का आपका कब आया कि मुझे एग्जीबिशन भी लगानी चाहिए पेंटिंग्स की? जी 2004 के बाद मुझे लगा कि इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है अभी पेंटिंग के फील्ड में ही, इसलिए एग्जीबिशन लगाने का विचार तो काफी 2005 में ही मैंने पहला 2004 में कंप्लीट किया डिप्लोमा। उसके बाद 2005 में भी मैंने पहली एग्जीबिशन अहमदाबाद के कंटेम्पररी आर्ट गैलरी में लगाई थी। उसके बाद 2 एग्जीबिशन फिर जूनागढ़ में भी की थी मैंने, 1600 किया था वो 2 जूनागढ़ में भी, एक मुंबई में भी 1600 हुआ था। तो इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई, काफी ग्रुप्स हो, उसके बाद वर्कशॉप किया है, कैंप किए हैं, तो इस तरह से जर्नी वहाँ से स्टार्ट ही है। और पेंटिंग में भी आगे इस फील्ड में ही बढ़ना है तो इसी हिसाब से मैंने आगे बढ़ा। पेंटिंग की किस तरह की टेक्निक, किस विधा में आपको पेंटिंग करना ज्यादा पसंद? जी मुझे लैंडस्केप के सब्जेक्ट में पेंटिंग ज्यादा पसंद जी। लैंडस्केप को अलग अलग तरीके से दिखाना, जैसे रियलिस्टिक लैंडस्केप भी मैंने काफी किए हुए हैं,
उसके बाद मेरी इस सीरीज में मैंने सेमी रियलिस्टिक सब्जेक्ट पर काम करने का सोचा और वो मैंने डेवलप किया हुआ है। तो क्योंकि पेंटिंग है तो पेंटिंग बनाना वो एक बहुत महंगा शौक है जो लगता है कि आपके कलर्स कितने महंगे आते हैं सारी चीजें टाइम उसमें बहुत ज्यादा डिवोट करना पड़ता है जी। तो एग्जीबिशन के लिए भी उसमें कहीं आपसे किसी तरह कोई मदद मिली जैसे आप बता रहे हैं ललित कला एकेडमी जी। मैंने इस एग्जीबिशन के लिए हमें 1600 के लिए ललित कला ने ग्रांट दिए 1 लाख रुपीस वो गुजरात ललित कला एकेडमी ग्रांट देती है इसमें, इसलिए हमने उसकी सहायता से ये मैंने यहाँ पे सो ऑर्गेनाइज किया है। जो आपने पहली एग्जीबिशन आपकी कब लगी थी सोलो जो आपने एग्जीबिशन लगाया? 2005 में मेरी पहली एग्जीबिशन लगी थी और अहमदाबाद की कंटेम्पररी आर्ट गैलरी में थी। तो गुजरात में जबकि हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की तो वहाँ पर कितना इसको कितना आर्टिस्ट की कला को कितना प्रोत्साहन वगैरह मिलता है क्या जी? अहमदाबाद में तो आर्ट लवर है, आर्टिस्ट भी अच्छे है और आर्ट लवर भी अभी अच्छे है और इस समय में तो आर्टिस्ट को काफी सराहना मिलती है और काफी पसंद किया जाता है उसके काम को। स्ट्रगल कुछ रहा आपके लाइफ के अंदर इस यहाँ तक आप पहुंचे हैं अपना मुकाम आपने बनाया है, कभी कोई किसी तरह कोई परेशानी आपको लगी जो फेस करनी पड़ी हो? जी नहीं, मुझे तो कोई खास परेशानी फेस नहीं करनी पड़ी है क्योंकि आर्ट वर्क में अगर आपका काम अच्छा हो और आप अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हो तो आपको मुझे तो नहीं लगता कि कोई परेशानी फेस करनी पड़ती है लाइफ में। जयपुर आप आए हैं, यहाँ पे आपको कैसा रिस्पांस मिला है, क्या लगता है आपको? देखिए जयपुर में हम बिल्कुल नए हैं, मैं और मेरा फ्रेंड भी आए हैं यहाँ पे एग्जीबिशन करने के लिए, तो मेरे ख्याल से हमने जितना सोचा था कि हमें इतना रिस्पांस मिलेगा क्योंकि हम यहाँ बेसिकली किसी को जानते नहीं जी, बिल्कुल। तो जयपुर में पहली बार आए लेकिन यहाँ के हमारा जो ओपनिंग किया है वो फैकल्टी फाइन आर्ट्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आयुब खान, मिस्टर आयुब खान डॉक्टर, उन्होंने किया था और साथ में कुछ कलाकार वगैरह भी आए थे, आर्ट स्टूडेंट आए थे, तो मेरे ख्याल से देखा था कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़िया हमें यहाँ रिस्पॉन्स मिला है जी। कलाकार द्वारा, आर्ट लवर द्वारा, किसी भी तरह से आप कह सके तो जयपुर में काफी हमें सराहना मिली है काम को और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है यहाँ के कलाकारों का। हमें आपके एग्जीबिशन आप कहाँ कहाँ लगा चुके हैं अहमदाबाद के अलावा? जी अहमदाबाद के अलावा तो गुजरात में ही सब जगह लगे हैं, सूरत में जैसे की है, बड़ौड़ा में की है, एक दो बार ग्रुप शो में पार्ट लिया है और ज्यादा अहमदाबाद के बाहर ये पहली बार आए हैं हम जयपुर में ही डायरेक्ट। आगे का फ्यूचर प्लान आपने क्या सोचा है? जी फ्यूचर प्लान अभी सोचे है कि ग्रुप शो वगैरह बाहर करने हैं, नेक्स्ट टारगेट दिल्ली है हमारा, उसके बाद मुंबई भी करेंगे जी। तो इस तरह से आगे बढ़ने का सोचा है। अच्छा आजकल देखी मैं कि लोग ऑनलाइन भी अपनी पेंटिंग्स को प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन मीडिया को, उसका आपका क्या मान के चलते उससे कुछ वाकई में प्रमोशन मिलता जी, है? जी मिलता है, बेसिकली मिल सकता है। अभी क्या है कि मीडिया और नेट पे काफी सब प्रचार अच्छा हो रहा है तो मेरे ख्याल से उसमें भी आपको अच्छी प्रमोशन मिल सकती है पेंटिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए अच्छे चांसेस। आपने भी इस तरह का कुछ किया है? आपने नहीं अभी सोचा है, मैंने ये पेंटिंग लगाई है तो इसको मैंने सोचा है कि नेट पर मैं लगाऊंगा बाद में, किस तरह सेलिंग में भी रखूंगा वैसे। अब जो एग्जीबिशन में पेंटिंग्स लगाते हैं वो सेल आउट भी आप करवा करने के लिए भी रखते हैं? हाँ जी, सेल आउट करने पे भी लगते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का कुछ आया? अभी तो सेलिंग नहीं हुई लेकिन काफी 2-3 इंक्वायरीज वगैरह आई है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जयेश से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ।